आना था क्या, फासला रह गया, मैं कोरोना से ही भागता रह गया। हाथ उसने बढ़ाया जो मेरी तरफ, मैं सैनिटाइजर ढूंढता रह गया। जालिम बाबा है के काबू ही नहीं आ रही। आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। आप भाई मुबारकबाद तुम। किस चीज की? माशाल्लाह बेहतरीन होस्ट बन गए, एंकर बन गए। अच्छा जी माशाल्लाह, असली तो खुश है इन्हां दे होस्ट बनन ते। होना भी चाहिए। और शुक्र करो होस्ट बन गए जे, नहीं तो तुहाडे वर्गे मुंडे मोहल्ले च सब्जी इस करके लिया के देंदे कि 20 रुपए बकाया मेरे होणगे। ऐसे होस्ट पूरे मोहल्ले में हिट होते हैं। अच्छा जी भाई, ये बंदा एक एक में मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। एहो जे इत्ती मसवाक अगों वढ के बेचण दे हुंदे। खून इस करके देंदे कि बाद च मैनूं जूस मिलेगा। गन्नों वाली ट्राली में से गन्ना खींचते हुए सट जरूर लगवा दे। हार तोड़ के ना सुना जे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हैं जनाब मियां अतीक। दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा खनसा जहूर। वेलकम टू द शो सर, हमेशा आपका इंतजार रहता है। हाय हाय। और आज एक बहुत ही खूबसूरत मैं शेर लाया हूं जी मैडम के लिए। फैशन की चकाचौंध में रहने के बावजूद, बावजूद बाबा, फैशन की चकाचौंध में रहने के बावजूद इनके मिजाज में नजर आता नहीं गरूर। हाय 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 बाबा। शोबिज में आके भी नहीं सीखी चलाकियां, शोबिज में आके भी नहीं सीखी चलाकियां, हर ऐसी शय को अपने से रखा है दूर दूर, दूर, दूर। मैं धुप च वेखे जिन्ने सुफने छां दे ने, मैं धुप च वेखे जिन्ने सुफने छां दे ने, ओदी अख विच सुफने मेरे नां दे ने। ए हक खोवण वाले सुफने मेरे नहीं, लै जा इन्हां नूं उत्थे जेड़ी थां दे ने। पीटीआई नूं जतवा के कीती की कमाई है, वोट देण आलिया ने दुहाई है मचाई है, रोलते गए पर चस बड़ी आएगी। मैं क्या अजे होर आएगी चस, फिक्र ना करो, होर चुपो गन्ने। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पहली दो बातों से तो पता चल गया कि आपकी चाल कैसी चल रही है, हाल आपने बता दिया हुआ है। वैसे मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप मेंबर हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स के, आप मेंबर हैं फॉरेन अफेयर्स के, तो हर अफेयर के अंदर आप क्यों हैं? मतलब पार्लियामेंट के बाहर कोई अफेयर नहीं है ना, ये सारे अफेयर पार्लियामेंट के अंदर है। हाँ, तो ये हमेशा आपको ही घुसाते हैं अफेयर्स वाले लफ्जों में? सर शायद उनको लगता है कि ये कामयाब अफेयर्स होंगे इनके। अच्छा, ये आपको देख के लगता है उनको, इसलिए आपको हमेशा ऐसी जगह पे ये आपको करते हैं। और आपने भी कभी इसकी मुखालफत नहीं की यार नहीं इधर अच्छा अफेयर्स चलते रहे, अच्छी बात है। जितने भी आपके अफेयर्स हैं उनसे अफेयर है, इसीलिए बहुत कम है। खान साहब आप पहले तो ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है हिरनी की तरह तेज और प्यारी आंखों वाली। असी ये सापट है अभी समझ दे रहे हैं कि बच के रहना, बच्चों खान सा आ जाएगा पता नहीं। यार हिरनी की तरह तेज और प्यारी आंखों वाली, मैंने ये नाम नहीं सुना हुआ था और मतलब तो मुझे यकीन नहीं पता था, मगर आपने इसको मुझे तो अभी पता लगा है। आपको कैसे पता चला? अभी आपके मुंह से सुना? अभी आपको भी अभी इल्म हुआ ना ये? आपके मुंह से सुना है। You had also not heard this name before? No, 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 I never. Odd name एक बड़ा। ठीक है खान साहब, तो खान साहब ये बताएं आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल। आपको आइडिया है? हाँ जी। क्या आइडिया है?
कि बस यहाँ पे बहुत मजाक होता है। नहीं, दो तीन दिन तो सीरियस गल्ला में चल रही है। अच्छा शो है जी, बिल्कुल। बाकी जो गेस्ट के साथ बातचीत होती है आपको उसका आइडिया है? जी बिल्कुल। जबरदस्त, चलें ये तो क्लियर हो गया। सर ये बताइए, सुना है आपको पिछले दिनों कोई खिताब शिताब भी मिल गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये मुझसे, जिस तरह वो तो मुझे सेनेट के चेयरमैन ने ड्यूरिंग द सेनेट प्रोसीडिंग डिजिटल सेनेटर का खिताब दिया है। डिजिटल सेनेटर, क्या बात ये है। इन्हां दे सिग्नल ज्यादा आंदे हैं ना। सीट ते नहीं बैठे, साइड ते चार्जर ते लगे होंगे। डिजिटल चीजें जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली फास्टली स्पीडीली आ चुकी हैं। तो मैंने चूंकि यही लॉकडाउन के दौरान अपना वक्त जाया नहीं किया और मैंने डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ा, उसको समझा, बहुत सारे वेबिनार किए, मैनी हंड्रेड वेबिनार्स आई हैव अटेंडेड। मैंने दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से, सबसे अच्छा मुझे लगा मकबूजा कश्मीर से, श्रीनगर से एक यंगस्टर ने मेरा इंटरव्यू किया, फिर वाना से इंटरव्यू हुए, इंटीरियर सिंध से। देन आई रियलाइज के अब वर्ल्ड इज रियली बिकमिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड डिजिटल वर्ल्ड। तो इसकी वजह से आपको चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये डिजिटल सेनेटर जी है। मैंने पूरे सेनेटर्स के अपने, हालांकि वर्चुअल जो सेशन है उसको तो मुखालफत की गई थी ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन मैंने कन्विंस किया अपने साथियों को, और आज तक जो ऑफिशियली कह लीजिए कोई भी अगर वर्चुअल इजलास हुआ है, एक गेट टुगेदर हुई है, तो वो सिर्फ सेनेटर्स की है और वो मैंने ही ऑर्गेनाइज कराई थी। ये तो बड़ा अप टू द मार्क आजकल के मुताबिक आप बिल्कुल चल रहे हैं, इसलिए आपका दो फोन भी हैं। वो तो आपको जी बिल्कुल, दो फोन है। दो फोन है बिल्कुल, और मैं दोनों ही यूज करता हूँ। एक फोन हाँ करने वाला, दूसरा ना करने वाला। क्या ऐसा है कुछ? नहीं, हाँ ना नहीं, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं सर, दोनों के दोनों होते हैं। एंड यू, आई बिलीव यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बल्कि इन्होंने फोन ना आवे तो आपस में मिला लेंगे। मैं कोशिश करांगा, तुहाडे कोलो सीख के जा रहा हूं। हां सर, आपकी पहले पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी? नहीं, एक तो नहीं, आपकी पहली बार मुलाकात हो रही है सिटिंग सेनेटर। हाँ जी, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा पाया आपने इनके व्यूज को? एक्चुअली अभी का जो टाइम है ना, पॉलिटिशियंस को भी हमारे टाइम के साथ थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना चाहिए। अभी ये डिजिटल में काम कर रहे हैं ये, और कोई मैंने इतना नहीं देखा किसी पॉलिटिशियन को, सो दिस इज वेरी इम्प्रेसिव। और मेरे ख्याल से यूथ को यही सब चाहिए आगे। सर ये तो आप यूथ की नुमाइंदगी फुल भरपूर तरीके से। मैंने परसों डिनर पे, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था, तो उन्हें भी यही कहा कि हमारे यूथ को चाहिए कि हम उन्हें प्रमोट करें, इंटरनेट पाकिस्तान में सस्ता करें, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो हमारे ये डिजिटल वर्ल्ड के फ्रीलांसर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, ताकि वो दुनिया के साथ लिंक्ड होकर अपने घरों में रिमोट का कहा। उन्होंने कहा मियां सावर बन गए। तो वैसे आपने कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर किया, सर मेन्यू क्या था? इट वाज अ वन डिश मेन्यू जी, मटन का कोरमा, चावल, बस वन डिश। तो क्या उनको छापा पड़ने का डर था? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जेब से, ये अपनी जेब से था, इसलिए वो गुड के बिल्कुल। और उन्होंने कानून के मुताबिक, देखिए हमारे गेट टुगेदर्स में अलाउड ही कानून के मुताबिक जो है वन डिश ही है। नहीं नहीं, वो तो हमारे कानून के मुताबिक है, मगर गिवन के एक प्राइम मिनिस्टर है, कम से कम हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, मौजूदा वक्त के हुक्मरान जो है वो लॉ अबाइडिंग तो है, हमें इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी बातों पे वैसे खाबे शाबे चलते रहने चाहिए। वो आप अपने अपने तौर पे जो मर्जी करें, मगर बात उन्होंने बिल्कुल सही। कितना शौकीन है, नहीं नहीं, आगे दे नाम तो कितने शौकीन ने हंस रहे थे। मैं तो कहीं तुझे नाल भी कुछ ले गया होगा। बिल्कुल जनाब, भेज देंगे जी, सवेरे कल भेज देंगे। नहीं मियां साहब छोड़ना, ये बताएं मीठे में क्या था? फ्रूट ट्राइफल। आहा हा, कौन कौन सा फ्रूट था? वन डिश ओनली, ओनली फ्रूट, एक ही फ्रूट ट्राइफल में, सारी बात है, सब कुछ एक में डाल दिया। कौन ट्राइफल था? कौन से फल का मजा आया? सर पाइनएप्पल वाज गुड, फिर एप्पल इटसेल्फ वाज गुड, वाह वाह,
और ड्राई फ्रूट भी था उसमें। आप मेरा इम्तिहान लें, मैं सच्ची सच्ची बात करूंगा, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आमतौर पे आते हैं तो वो देखिए, मैं जब सच कह रहा हूं, हाँ अगर मैंने ये कहा होता कि जी वहां पर कोई जर्दा था, कोई और मतलब, या मैं कहता कि वो शाही टुकड़ा था। जबरदस्त, देखें फ्रूट ट्राइफल और ये वो, आपको पसंद है फ्रूट ट्राइफल? नहीं। आपको क्या पसंद है? मुझे खीर पसंद। कौन से वाली खीर पसंद? कौन से वाली खीर जी? सेनेटर साहब जाना जो अम्मी बनाती हैं। हाँ जी, अम्मी कौन सी बनाती है? बहुत मजे की बनाती है। लो ये नहीं बना सकते। मैंने लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स नहीं देखा, मैंने यूट्यूब नहीं देखा, हालांकि वजीर आजम साहब ने तो उर्दगान की बात भी की थी। उर्दगान नहीं, उर्तगाल की। व्हाटएवर इट इज, आई नेवर। उर्दगान साहब ने उर्तगाल की बात की थी, फिर वजीर आजम साहब ने उर्तगाल की बात की। उर्दगाल की बात, आपके मुंह से सही बात निकल गई। यस, सो ना ही मैंने अपना ये पबजी खेला, ओए होए होए, और ना ही मैंने डिजिटल लूडो खेली। ओए होए, आपका प्रोग्राम चूंकि सारी यूथ देखती है और बड़े अच्छे मूड में देखती है, तो मेरी गुजारिश होगी कि देखिए जिंदगी में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती हैं, एक आपकी सेहत और दूसरा आपका वक्त। वक्त अगर अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो वक्त ज़ाया ना कर। दिस इज वॉट मेरी सजेशन है। कैसी आपको लगी इनकी सजेशन? बात तो सही की है। आप फॉलो करती हैं इनकी बात? हाँ, टाइम बहुत जरूरी होता है। टाइम बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे तो वो वापस नहीं आएगा, तो आपको उसका इतना अच्छा यूज निकाल लेना चाहिए कि बाद में आप अपन पे प्राउड फील करो। ऐसे वापस नहीं आता। कल भी इस टाइम 11 बजे थी, आज भी 11 बजे। के जो भी आया अपना कारोबार करता गया, हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आहो आहो आ भी तो अदा मैं हिसाब आवांगा, 100 बतेरा फरांगा, 96 तो अदे, बाकी 4 मेरे। फिलहाल फिलहाल जड़ा ना ओनू 12000 नु 1200 ते लिया। तुसी भाभी नाल मशवरा कर लो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खंसा वोट डालती हैं? नहीं अभी तक नहीं डाला, नेक्स्ट डालूंगी। मेरा जो लास्ट वोट था वो अबव 18 था, बट वो गुजरांवाला में था। मैं इस्लामाबाद में थी तो तब मैं छोटी थी, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था। ओहो, तो अब इस दफा इंशाल्लाह। तो किसको डालेंगे वोट? पहले तो यही सोचा था कि पीटीआई को डालूंगी, लेकिन अब पक्का पता है उसको नहीं डालूंगी। वो कैसे? आई डोंट नो, बस नहीं मतलब कि अच्छे हैं PTI वाले लोग, बट जो कहा था वो पूरा नहीं हो रहा। एर की खाने दे अभी गल दसनी खान साहब। देखिए इमरान खान ने कहा था खुद ही कि हम यूथ के लिए है ना, तो यूथ ही सबसे बड़ी सपोर्टर थी उनकी, और अब यूथ ही वो है जो कह रही है कि ये हो क्या रहा है। सर ये क्या हो रहा है, यूथ क्या कह रही है? देखिए हालात देखने चाहिए कि मुल्क के हालात ओवरऑल क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो तो, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि 2 साल में जो कुछ होना चाहिए था शायद वो नहीं हो सका, और ये बात सबके सामने है, और एक हद तक जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। बहुत अच्छा। तो मुझे बताएं आप एमक्यूएम के अंदर हैं तो कौन से वाले एमक्यूएम के साथ हैं आप? तो जो ऑफिशियल एमक्यूएम है जिसको चार्टर मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो एक ही है, दैट इज एमक्यूएम पाकिस्तान। ठीक है, आपको लगता है कि वो एमक्यूएम ही अब आगे कैरी ऑन करेगी इन द नेक्स्ट इलेक्शंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव? जी डेफिनेटली वही करेगी। एंड यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? या इट इज, बिकॉज दैट इज व्हाट द पार्टी इज ऑफिशियली। मगर उसके बहुत धड़े भी बने ना, तो वो नहीं, वो धड़े अपनी जगह पर हैं जी, वो देख लिया है। बस तो कोशिश नहीं की उनमें से किसी को वापस लाने की? दिल चाहता है कभी कभी कि यार आ जाओ। नहीं कोशिश तो शायद होती रहती है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तो फिर इंशाल्लाह जरूर वापस भी आ जाएगा। वैसे आपने कोई मार्क किया हुआ कि चले इमरान खान साहब तो नहीं वादे पूरे कर पाए आपके ख्याल में, तो अब किसको देंगी वोट जब आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ सोचा हुआ, और इमरान खान पे अभी भी भरोसा तो है, क्या पता चेंज हो जाए, क्या पता कुछ कर जाए। कभी ये सोचा हो कि खान साहब तो चलो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, कोई ऐसा शख्स जिंदगी में हो जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके, आपके ख्वाब पूरे कर सके? देखिए पता है बात क्या है, जिससे आप उम्मीद लगा लेते हैं ना वही उम्मीद पूरी नहीं होती। नहीं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि जेहन में होता है ना इंसान, कोई आइडियल होता है जिंदगी में, कोई सामने बैठा हो
आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सामने तो आप बैठे हो बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ जी जी हाँ जी ये दसों शरीकों में की कहना चाह रहे हैं तो आप सही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं करें करें एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन होते ही ना चले मुझे छोड़ें आप वैसे ही कोई आइडियल तो होगा ना आइडियल जो आपको खुश रख सके आप और वो इकट्ठे मोटरसाइकिल पे दुपट्टा पीको करवाने जाए इंशाल्लाह कोई ना कोई कभी आपकी फूफी के दांत टूट जाए 8,000 पल्ले से खर्च करके वो दांत लगवा दे इस तरह की लूडो खेले आप काना आए फिर भी क्या मैंने पीस खोलनी है इस तरह की बस आप मेरे लिए दुआ करें तो मुझे जरूर दुआ मैं करता हूं नाना बुआ दुआ यार मियां साहब से आप पूछो वो कोई हेल्प मियां साहब मैं ना यही पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं इनका फैन हूं तो कैसे उनको मुतासर करना हो तो जरा बता दें तरीका थोड़ा सा वो आपके हाथ पे दिल बना हुआ हां जी बना हुआ ये ये हां ये देखिए ना इनको इसको देख के बस आप सबक लें क्या किया कि उन्होंने हाथ दिखाएंगे क्या बना मेरा नाम लिखा क्या किया आप ही का नाम नजर नहीं आ रहा सही इतना क्या है ये हार्ट और हार्ट बीट है हार्ट और हार्ट इसका मतलब है फैमिली लव एंड फ्रेंड्स अच्छा फैमिली चलावो ना फैमिली चलावो और फैमिली चलावो उसी दरमियान इज किधर नहीं हो उसी दरमियान इज किधर नहीं हो मैं नहीं फैमिली लव और फ्रेंड्स अच्छा फ्रेंड्स चले फ्रेंड्स तो आज मिल गए आप इसको एक इस साइड से पढ़ना शुरू करें फ्रेंड्स लव फैमिली नहीं नहीं ऑपोजिट फैमिली इज लाइक नंबर 1 ये तो अब आपके ऊपर है आप जैसे पढ़ना चाहे ये देखें क्या कह रहे हैं सेनेटर साहब आप कैसे पढ़ना चाहते हैं सेनेटर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई मैंने नहीं कुछ कह रहा मैं तो कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है जिस तरह वो चाह रही हैं कि पढ़ा जाए कि फैमिली लव फ्रेंड्स आप भी तो दिखाएं ना अपना ये देखें हाय क्या उसे कैसर एस से खान सा ये इसका मतलब होता है ना ये मतलब खंसा में ऐसा आता है ऐसा आता है ना मैंने लास्ट वाला पहले लिख लिया ना मुझे आप बताएं कितने नाम आपके लिए ऐसे स्टार्ट होते हैं तकरीबन काफी सच्ची ये काफी लड़कियों ने पूछा है हाँ मैं समझ सकती हूँ जी जी लेकिन असल में तो वो मैं ही हूँ हाँ आप ही हैं सारी जिंदगी आप ही डन हो गया सदा खुश रहे हैं आप भी हाँ साड़ी गल अगे बढ़ गई है बहुत चली गई है असी चलिए खैर मेरा नहीं ख्याल आपको इतना सीरियसली ले रही वो नहीं वो तो मजाक की बात है वैसे किसी सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं देना मुनासिब समझा नहीं नहीं मैं भी पूछ लेता हूँ तो कैसा इंसान वैसे होना चाहिए जिंदगी में आइडियल तो उस तरह मुझे नहीं पता जब टाइम गुजरता है तो कोई ना कोई आ जाता है बट एक क्वालिटी जो मैं उसमें चाहती हूँ जो कि मैंने बहुतों में देखी है और मैं उस चीज से दूर भागती हूँ वो ये है कि दिल में बातें ना रखे जो दिल में है वो मुंह पे हो चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है मुनाफिक जो ये कर सकता है वो मेरे लिए आइडिया फिर अगर उसका दिल नहीं होगा तो फिर मैं किधर हूँगी उसके दिल में तो होना सच्चा और साफ को नहीं मतलब अगर कुछ बुरा है वो भी मुंह पे अच्छा है वो भी मुंह पे अच्छा दिल में बुरा नहीं पसंद सच्चा आदमी चाहिए लेकिन बुरा अक्सर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर कोई सीधा नहीं मैं कर लेती हूँ मैं खुद सीधी हूँ ना तो मैं कर लेती हूँ बड़ी बात है अच्छा तो अमीर हो या गरीब हो कोई इससे कोई मेहनती हो मिट्टी ट्राली दिला लेंदा हो क्या करता मेहनती क्या सारे घर के बर्तन नहीं मतलब पैसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक आदत हो काम की पता हो काम जरूरी है काम से ही आगे चलते हैं वरना पैसे तो जिसके पास होते हैं एक दिन खत्म हो जाते हैं जिसके पास यू नो एक हुनर होता है वो चलता रहता है सारी जिंदगी वो कहते हैं ना टीपू सुल्तान दुनिया से गया था तो दोनों हाथ खाली थे टीपू सुल्तान की इसी नाम ना था सिकंदर आजम था मैं पूछा मैं तुम पता कि नहीं पता है मगर सिकंदर आजम का इस मामले से क्या ताल्लुक है वो यही चाह रही है ना कि पैसे वगैरह ना हो कोई मेहनती आदमी हो बस ऐसा ना भी हो इंशाल्लाह मैं मेहनती हूँ 2 बजे रिकॉर्डिंग होती मैं 12 बजे आ जाता हूँ इससे ज्यादा मेहनती क्या चाहिए सही बात है बिल्कुल लेकिन आगे तो आपको मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी ना आपकी बातें सारी जिंदगी सुनूंगा आपकी आपकी फैमिली की बातें सब सुनेंगे चढ़ो चढ़ो लेकिन खान साहब खान साहब भी नहीं सही मतलब आपने नाम ही नहीं सही सोचा मेरा तो आगे क्या होगा दोबारा बताइए खान साहब हां जी इतना मुश्किल नहीं है माइंड ना करें वो एक्चुअली हम पीटीआई के दौर में रहते थे हमें अब खान साहब क्या
How you doing, Bob? Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? Couple of days ago, I went to the Janubi Punjab. Okay. There was a birthday party. Uh-huh. Unhane me invite kita. Achha. Unhane ka two song gaane ne. Uh-huh. But dure dure rae ke gaane ne. Te otho, when I was coming back, मैं उठे देखिया शेड सन बड़े लम्बे लम्बे जंग लगे बुरे आल बरौंके दियारे आई वेंट टू द ओदे मालिक कोल मैं गया मैं कहे क्यों जंग कहंदे कोरोना दी वजह तू बंद ने बट खुलन आले ने हुण ते मैं कहे की करोगे कहंदे ने असी रेंट ते देने आ यूनो उठे बचेरे बड़े हुंदे ने ते मैनू कहंदे ने तू बचेरे बड़ी आसानी नाल फल लेगा मैं क्यों किस कहंदा तू लगदा ही बचेरा है तू बचेरा बन के बहना है ओ समझनगे के मिसाडा रिलेटिव है ओ तेनु मिलन आनगे तू फल है दिस इज गुड बिजनेस यू नो एथे नहीं अपना गोजरानी वाला बस शेड दा किराया देना टू मंथ ओ कहंदे ने 2 महीने दा एडवांस दे दे ते खुला खा ते कुछ यू प्लीज गिव मी 15,000 रुपए नहीं देना 12 देना 3 मेरे को है मेरे पास 2 भी नहीं है फिर तुसी किवें जिंदगी बसर करोगे मैं ते कर ही लांगा मांग तां कि मेनू तुहाडी फिक्र हुंदी मैं कर लूंगा मैनेज नहीं तुसी मेनू 12,000 दियो मेरा मैनेज होवे तुसी खसमां नूं खाओ मेरे पास है नहीं पैसे मैं की करां सर जी मैं जदों भी इहनूं एप्लीकेशन दित्ती अगो इन्होंने रिजेक्ट ही कीती लेकिन मेहमाना को 12,000 नहीं मंगना उन्होंने पहले कहना सानू 12 साल दे वोटां पाओ वोटां पाओ बल्कि मैंने फेस तो लग रहा है ना पाओ यस उन्होंने एक्सप्रेशन चेंज होया हुण ते मैंने भी पता लग गया लॉकडाउन है लॉकडाउन यस लॉकडाउन की वजह तो शेड सस्ता मिल रहा है बाद च महंगा हो जाने लॉकडाउन की वजह तो कम कोई नहीं आज का सो कुड यू प्लीज गिव मी 12,000 विच तुहाडा मैं हिस्सा पावांगा 100 बचेरा फरांगा 96 तुहाडे बाकी 4 मेरे फिलहाल फिलहाल असी जड़ा ना ओनू 12,000 नु 1200 ते लिया ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ 1200 ਵੀ ਗਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰੇ 1200 ਵੀ ਗਏ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਸ਼ਮ ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਆਪ ਲੈ ਲੈ ਆਪਸੇ ਅੱਛੇ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ टोपी हुण रखना ना दिस इज अ फैशन इन यूनाइटेड स्टेट्स वेरी नाइस आई लाइक इट आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ओके ओके माय मॉम शी बिलोंग टू द वर्जीनिया वेरी कूल यस एंड माय पापा फ्रॉम चिचावटनी या दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्बो देखे उन्होंने दिते ने पैसे तुसी एवें मेरा दिल उन्होंने तो चढ़ा दी गिनती नहीं करना उनका नहीं गिनती क्यों करनी है जदों आई 2000 इसी बार गिनती क्यों लॉकडाउन की वजह से बार थैंक यू वेरी मच मेरा काम तुर पेगा कारोबार तुर पवे ते समझो अगो फिर कख नहीं हुंदा अस तुहाडे कारोबार नु वधावांगे इंशाल्लाह थैंक यू पीटीआई दी ते हमेशा रवायत रही है कारोबार पीटीआई सब के साथ खड़े है और एमक्यूएम चुके पीटीआई के साथ खड़ी है इसलिए एब्सोल्युटली राइट ओके टेक केयर सर सर लव यू मैं माना ना कुछ चाह पानी हम पिला रहे हैं आप फिक्र ना करें अच्छा माँ चल ते अपना मोहतरमा खानसा साहब नहीं असल में इट्स खानसा 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 हाँ खानसा और करारा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मियां आतिक साहब आपको जिम्मेदारियां इससे ज़्यादा क्यों नहीं दी जाती जितना आपका एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर देखिए जी ये तो डिपेंड करता है कि जो लोग जिम्मेदारी देने वाले हैं दैट इज़ अप टू देम क्योंकि मैं आई बिलीव इन इट कि जिम्मेदारी ली नहीं जाती जो कोई जिम्मेदारी देने वाला है जब आप उसके सामने किसी मयार पर आते हैं तो फिर क्योंकि
व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आपके जिम्मे कोई काम लगा दिया जाए देन आपकी ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि आपने परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है. तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे जिम्मे काम लगे उसको एट द मैक्स डिलीवर किया जाए, परफॉर्म किया जाए. दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अपने टेन्योर में अभी तक पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है वो मेरा है. हर तरह से बहुत यार सागर सदीकी साहब वो शेर में लगता मेरे तो लेके आने कौन सा कि जिंदगी जबर है मुसलसल की तरह काटती है. राती 11 घंटे की ड्यूटी तो बाद है घर गया अल्लाह अल्लाह करके आंख लगी है लेट हो जाना. राइट नाउ का मतलब कदम उड़दा गया बनी गल. सारे मैं कमरे छान मारे, सारे मैं बरांडे छान मारे, पौड़ियां चढ़ के उत्ते गया मैं सारा आर्डर लाओ. मैनू कहंदे ने फिर अगे टुर पे नाराज, एडे सख्त नाराज. मैं सर होया की है? कहंदे ने टीम नहीं खेड रही, टीम नहीं खेड रही. मैं सर पहले भी कदों खेडती सी, तुसी कल्ले खेडदे सो ते खेडदे भी अपनी मर्जी नाल सो. मैंने कहा गल ना कर पुत्र, ना रमीज राजा लबरे ते ना इंजमामुल हक लबरे. मैं सर तुसी दसो मसला की है? कहंदे ने पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं मिल रहा. मैं इन्हां नूं कहना कि स्लो स्लो खेडो, टिप टिप खेडो, ये जाने रन आउट हो जाते. मैं सर हुण मैं की खिदमत कर सकना भाई, मैंने तो अल्लाह ने अकल दिती है ते तुसी बुलाया. मैनू कहंदे ने इतने दानिशवर तुम्हारे दोस्त हैं, जाओ किसी से पूछो. उत्थों ही मुड़िया डाला सीधा एयरपोर्ट ते जहाज बैठा पायलट को गया. मैं सर्टिफिकेट है जी रखा है जी. मैं टूर फिर अगर कराची पहुंच गया अनवर मकसूद साहब को. अनवर मकसूद साहब के पास मेरी लाभ है गए ने बिल्कुल. चाह का कप हाथ फड़े पहला सिप लैन लगे सन. हाँ। नहीं लिया ने. अच्छा. मैंने कहते ने आप पियो. मैं सर मैं नहीं चाह पीनी. हाँ। क्योंकि उन्होंने मना किया. मैंने कहा सर इमरान खान साहब ने क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? हाँ. कहने इमरान खान साहब से जाके कहो अपनी पुरानी तकरीरें सुन ले, उसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल है. मैनू तो एडी जरूरत नहीं, मैं किवें जाके कहां कोई ऐसा बंदा दियो जेड़ा उन्हां दा करीबी होवे, जेड़ा उन्हां नूं जाके दसे. आप हमारे मेहमान को ट्राई करें, ये भी उनसे मिलकर आए हैं. ओ माय लव. ओ सर मैं तो जान है कि ने मेरे जदों नहीं गया. कहते ने बैठो जाओ इनके लिए चाय लेके आओ. नहीं ले आया कोई जी सर. ओ फिर मैं 2 मिनट की गल की फौरन आ गया. ये मशहद सर जी प्लीज खान साहब नूं जाके आराम नाल प्यार मुहब्बत नाल ये दसो कि ये बात है. मैं तो नहीं ना दस सकता क्योंकि मैनू तो इस गल की समझ ही नहीं. तो ये हुण सर तुहाडी जिम्मेदारी, कुछ खाना पीना ना तो दियो पैसे मैं लै. सर मेहमाना नूं कुछ चाह पानी हम पिला रहे हैं, आप फिक्र ना करें. अच्छा मां. हाँ। चल ते अपना मोहतरमा खानसा साहिबा. नहीं असल में इट्स खनसा. खंसा और करारा. भाईजान हो गए ने बस भाईजान मेरी जगह. सर तुसी जाके मैसेज देना है. हाँ इजाजत है सर आओ. कायम अली शाह कोई खास वजह? मुझे उनका नाम पसंद आया, मैं जाके उनसे बातचीत करूंगी, उनको पहचानूंगी. वाह 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 कायम अली शाह साहब का नाम पसंद आया इसलिए कायम अली शाह साहब को चूज किया गया. हाँ। है लेकिन उन्होंने दी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने को तो गल होंदी नहीं. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. जी तो मियां तीक साहब आपसे स्टार्ट करें या खान साहब से?
ओके, यू आर अप फॉर इट। हंसा, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास है डॉक्टर आमिर लियाकत और मुबशर लुकमान। मुबशर लुकमान। कोई खास वजह? मुझे वो बड़े पसंद है पहले से ही, मैं उनके शोज देखती हूँ, बहुत अच्छे। ठीक, मुबशर लुकमान साहब होंगे, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और शान, तो किसके साथ सेल्फी लेंगी? सेल्फी लूंगी मैं हुमायूं सईद के साथ। स्माइल किसको देंगी? मैं लिफ्ट से जाने को उनको कहूंगी, शान को, और स्माइल देंगी अदनान सदीकी को। ठीक है, ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस हैं अली जफर और फवाद खान। अली जफर। क्या बात है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास उस्मान बुज़दार और कायम अली शाह। कौन है ये? पुर्तगाल ड्रामा में कुछ विलन है। इनका नहीं आपने सुना हुआ? टर्किश ड्रामा ना, वो तो तुर्की का ड्रामा है। जी जी, कायम अली शाह और उस्मान बुज़दार साहब का आइडिया नहीं है। चलें, ये बताइए किसको लेके जाना चाहेंगे आप, उस्मान बुज़दार, कायम अली शाह, फयाज़ुल हसन चौहान या फिर शर्जील मेमन? चारों का ही नहीं पता। आप हेल्प नहीं कर सकते? नहीं, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा लगता है चारों का ही। किसी को ले जाऊं बेहतर नहीं है? लीडर जो उनको लेकर जाएंगे तो लीडर नहीं है। कायम अली शाह को। कायम अली शाह, कोई खास वजह? मुझे उनका नाम पसंद आया, मैं जाके उनसे बातचीत करूंगी, उनको पहचानूंगी। वाह वाह वाह, कायम अली शाह साहब का नाम पसंद आया, इसलिए कायम अली शाह साहब को चूज किया गया है। लेकिन उन्होंने तबीयत ठीक नहीं, उनको तो गल होंगी नहीं नहीं यार। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपके अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं ममनून हुसैन और शाह महमूद कुरैशी। ममनून हुसैन। कोई वजह? पहले मिली हुई हूं एक दफा। मिली हुई हैं? हाँ, एक दफा मिली। कहाँ मिली थी? स्कूल के एक फंक्शन में एज अ गेस्ट आए थे। वो क्या थे जो एज अ गेस्ट थे? वो प्रेसिडेंट थे। किसके? पाकिस्तान के। गुड, ठीक है, का फंक्शन बचा के ममनून हुसैन साहब को। और शाह महमूद कुरैशी साहब का आइडिया है आपको? नाम सुना हुआ है। शाह साहब, आप भी कोई स्कूल का फंक्शन फौरन पकड़ें ताकि पता चल सके इनको कि शाह महमूद कुरैशी भी कौन है। जी मियां साहब, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे हैं, दोनों फोनों के अंदर बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस है, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किसको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महवेश हयात। मेरे ख्याल में माहिरा खान थोड़ी फनी फनी बातें कर लेती है, महवेश हयात जो है वो अभी जरा वो हो गई ना, क्या मिला है उनको अवार्ड? सितारा अवार्ड। हाँ, बस उसके बाद अपग्रेड हो गए ना, तो अब मायरा खान इज ओके। अच्छा, मायरा खान। हाँ, वो जरा फनी फनी बातें कर, मायरा खान फनी फनी बातें कर लेती हैं, इसलिए आपका इंतखाब किया गया है। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हुए हैं, दो सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, सात वाली सीट पर आप किसी को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है, कौन होगा वो? ऑप्शन है आपके पास फवाद चौधरी, फयाज़ुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। देखिए, फवाद चौधरी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी मेरे साथ। फयाज़ुल हसन जो हैं वो मैं, एक ही शहर से हैं, एक ही जगह से हैं, तो आमिर लियाकत ठीक है, बहुत से लोग कराची वाले खुश हो जाएंगे आमिर लियाकत को स्पेस में छोड़ा, ठीक है, कराची वाले खुश हो जाएंगे। सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रिहाम खान और फिरदौस आशिक अवान साहिबा। देखिए, चूंकि जा टाइटैनिक पे रहे हैं तो रिहाम विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, कौन होगा वो जिसको ये दूसरी लाइफ जैकेट दी जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके पास खालिद मकबूल सदीकी और बाबर गौरी। खालिद मकबूल सदीकी। खालिद मकबूल सदीकी। साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर,